फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। अमीर सातदीन वो गद्दार है जो इंतकाम और लालच में अंधा हो चुका है। वो किसी भी हद तक जा सकता है। उसे मालूम हुआ कि आप खिलाफ है उसके, तो वो मार देगा आपको और अपनी औलाद में से किसी को आपकी जगह सुल्तान बना देगा। तमाम मुशीर उसको पैक की मुट्ठी में बंद है, रियासत उसकी है। तुम इस बगावत को अपना पूरा जोर लगाकर दबा दोगे और इनका वो हशर करोगे कि इनकी सात पुश्ते भी याद रखें। कुनाल, आप आगे नहीं जा सकते अर्तुरुल सरदार। आइंदा अगर मुझे इस तरह से रोकने की कोशिश की तो अपने पैरों तले रोन डालूंगा तुम्हें। अपने मालिक को भी ये पैगाम पहुंचा देना। उसका मकसद मेरे और क्रितोस के गठजोड़ से आपको खत्म करवाना है। जमींदार के जरिए कामयाब ना हो सका तो गुनाब के जरिए हमें कुचलना चाहेगा। मुझे लगता है कि वो इंतकाम लेने के लिए सादतीन के पीछे गई है। सुल्तान अलाउद्दीन के इंतकाल के बाद से हमें एक भी पल सुकून का नसीब नहीं हुआ। सादतीन कुपैक नामी उस शैतान ने इस सरजमीन पर हमारा जीना मुहाल कर दिया है। हम रियासत और उस कुपैक को दिखा देंगे कि उनकी औकात क्या है। इंशाल्लाह दिखा देंगे। हर शख्स अपनी तलवार की कसम खाकर वादा करे। काई कबीले से सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल सरदार तशरीफ लाए हैं। अर्तुरुल सरदार आए हैं कि नहीं? सुना तुमने? अर्तुरुल सरदार आए हैं, बहुत खुशी की बात है। ये हमारे सरदार अर्तुरुल आ गए। बहुत शुक्रिया मुअज्जिज़ ओवोस सरदार, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। नौश फरमाइए सरदार अर्तुरुल। शुक्रिया। आपके यहां आने की क्या वजह है अर्तुरुल साहब? क्या आप भी हमारे साथ शामिल होने के लिए आए हैं? वो तलवारें जिन पर आप अभी कसम उठाने वाले थे वापस रख लेने आम में। मैं यहां आपके साथ शामिल होने नहीं बल्कि आपको रोकने आया हूं। आपकी बहादुरी और सदाकत के हम सब मोहतरीफ हैं सरदार अर्तुरुल। हमें आप पर एतमाद है, लेकिन मसला यह है कि हमारे सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। वापसी का रास्ता नहीं है कोई। बिल्कुल सही कहा। सही बात है। सही वापसी। हाँ, सही बात है। सादतीन कुपैक के सारे जुल्मों सितम आपसे बेहतर जानता हूं मैं, लेकिन जो आप लोगों का इरादा है उससे रियासत को कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान पहुंचेगा। फिर आप बताएं अर्तुरुल साहब, क्या कोई और रास्ता है इसके अलावा हमारे पास? सरदारान, मगरबी सरहद पर मंगोल
और मशरिकी सरहद पर बाजंतीनी दोनों हमारी कमजोरी के इंतजार में हैं। रियासत के अंदरूनी मामलात में एक छोटी सी गलती पर अपने पंजे गाड़ने की कोशिश करेंगे। इस तरह की बगावत से रियासत गैर मुस्तहकम होगी। सिर्फ सादतीन कोपैक से छुटकारे के लिए रियासत को नहीं झोंका जा सकता आप में। मेरी बात गौर से सुने मुअज्जिज़ सरदारान। कोपैक की वजह से रियासत और अपने कबाइल को न डालें आजमाइश में। कोपैक का अंजाम बहुत करीब है। हम अजीमुशान ओवो सरदारान हैं। हमें जल्दबाजी से नहीं बल्कि अक्ल से फैसला करना चाहिए। अपनी नस्लों की बका के लिए हमें अपनी अजीम रिवायात की पासदारी करना होगी। सुकून से बर्दाश्त करने का कोई फायदा नहीं है अर्तुरुल साहब। अगर जरूरत पड़ी तो इस रियासत को तबाह करके नई सल्तनत कायम करेंगे, लेकिन खामोश नहीं बैठेंगे। बिल्कुल सही कहा। परी खातून, खुश आमदीद अमीर सादतीन। शुक्रिया महापरी खातून। ये मालूम हुआ है मुझे, महल वापसी के बाद आपने ओहदेदारों को बरतरफ कर दिया है और उनकी जगह आपने अपने वफादार तैनात किए हैं। मेरे साथ रूनुमा होने वाले हादसे के बाद सुल्तान और रियासत के वसीतर मफाद में ताजुद्दीन परवाने के साथ साजिशों में शामिल हर शख्स को उस समय तब्दील कर दिया गया। सच है ये? वजह क्या है इसकी? आग शहर में इनकी बदकिरदारी के किस्से बहुत मशहूर हैं जिनका मुझे इल्म हो गया था। तौबा, जाहिर है कि इस तरह के बदकिरदार को बिलाखिर सजा तो देना ही थी, ठीक किया ना मैंने? इंशाल्लाह, सुल्तान जब आपसे इसकी वजह पूछेंगे तो इसे साबित करने के लिए आपके पास सबूत मौजूद होंगे। बिल्कुल मौजूद है महापरी खातून, सबूत के लिए बेफिक्र रहें आप। यकीनन आपके इल्म में होगा कि जमींदार क्रितोस से मुलाकात के लिए मैं जिस सराय में मौजूद था वहां कुछ लुटेरों ने कातिलाना हमला कर दिया था मुझ पर। अल्लाह ने आपको नई जिंदगी बख्शी है सादतीन, कोई जख्म तो नहीं आया? बाल भी पीका नहीं कर सके, लेकिन हमले के पीछे असल हाथ का पता लगाने के बाद ना तो उन आंखों में रहेगी रोशनी और ना उनके सर उनके धड़ों पर होंगे। उसकी सबसे पहले तो मैं आंखें निकलवाऊंगा जिसने मैली आंख से रियासत को देखा, और फिर उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि गद्दारों का जल्द सुराग मिल जाए। सुल्तान ने आपको अपने कमरे की कैद से आजाद कर दिया है शायद? शुक्र है उन्हें अपनी गलती का अंदाजा हो गया है। शुक्र है, शुक्र है। अल्लाह हमारे सुल्तान को हमेशा सलामत रखे। महापरी खातून, अपनी रियासत को अजीमुशान बनाएंगे हम इंशाल्लाह। हमारे दुश्मन हमारे पैरों के नीचे कुचले जाएंगे। मरहूम सुल्तान की तरफ से दी गई जमीन छीन ली गई है, महसूल दुगना कर दिया गया है। हमारी हिमायत करने वाले रियासती अरकान को एक एक करके उनके ओहदों से बरतरफ किया जा रहा है।
आखिर ये कैसा जुल्म है अर्तुरुल साहब? अगर बगावत से हल निकलता तो इसकी शुरुआत सबसे पहले मुझसे और मेरे कबीले से होती सरदारन। बहुत से सादतीन को पैकाए पहले भी, लेकिन क्या हुआ, हमारे हाथों सब गद्दार अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचे। याद रहे, रियासत हमेशा से कायम है और हमेशा कायम रहेगी। तो अब रियासत और वतन से मोहब्बत करने वाले नियाम में रख लें अपनी तलवारों को। और ऐसा न करने वाले अपने मुकाबले पर मेरा सामना करेंगे। नियाम से निकली हुई तलवारें वापस रखने के लिए नहीं होती। बेमौका खिंची हुई तलवार साहिब तलवार के आर पार हो जाती है। सरदारान का फैसला हक बजाने पे। तुम यहां सादतीन कुपैक की जबान बोलने के लिए आए हो सरदार अर्तुरुल? लगता है उसी ने भेजा है तुम्हें यहां। कुछ अल्फाज जंग का इख्तिताम होते हैं और कुछ अल्फाज आगाज जंग। जबान को लगाम दें तो बेहतर होगा। सादतीन कुपैक के खिलाफ मेरी जिद्दोजहद से हर शख्स वाकिफ है। न सिर्फ तुम्हारी तलवार बल्कि तुम्हारे अल्फाज भी बेमौका हैं। तो फिर आप भी अपनी तलवार निकालें और हमारा साथ दें, इस रास्ते पर हमारी रहनुमाई करें। हम साथ मिलकर सादतीन कुपैक के खिलाफ जिहाद करते हैं। ऐसा जिहाद कुपैक के नहीं रियासत के खिलाफ होगा। मैं रियासत के खिलाफ जंग नहीं करूंगा। और आप सबको भी रियासत के खिलाफ जाने की तरगीब नहीं दूंगा। जहां जुल्म बढ़ जाता है वहां जालिम का खून बहता है, यही रिवायत है सरदार अर्तुरुल। तुम सबको शर्म आनी चाहिए। मेरा साथ देने के लिए मेरा कबीला काफी है। कुपैक और रियासत को सबक सिखा देंगे। हर शख्स अपनी सोच रखता है। बहुत शुक्रिया सरदारा। आपका भी शुक्रिया अर्तुरुल सरदार। मुझे तुम पर फख्र है आरिस। इतना सब कुछ होने के बाद भी सादतीन का एतमाद हासिल कर लिया तुमने। तुम मेरी उम्मीद पर पूरा उतरे। बहुत शुक्रिया क्रीटोस। लेकिन अर्तुरुल तुम्हारे हमले से कैसे बच निकला? तैयारी से आया था वो। उसके सिपाहियों ने अचानक हम पर हमला किया। मैंने तुम्हें कहा था इस तुर्क को काबू करना आसान नहीं है क्रीटोस। सब्र करना होगा, ताकत बढ़ानी होगी, वरना वो तुम्हें भी तुम्हारे बेटे की तरह मार डालेगा और पिलेचिक का किला भी फतह कर लेगा। मुझे कैदी बनाकर
किले ले गया था वो, लेकिन किले में जो उसके साथ हुआ काबिले दीद था। सरदार आला का मनसब उससे वापस ले लिया गया, उसके सिपाही सीख पाते। सात दिन को बैक दोबारा अपना वार कर गया, अब हमारी जिम्मेदारी है। तो फिर क्या इरादा है तुम्हारा? उसके सोत पहुंचने का इंतजार करोगे? अर्तुरुल के सोत पहुंचने तक मैं अपनी तैयारी मुकम्मल करूंगा। एक बार वो यहां आ जाए एरिस, अर्तुरुल मुझसे मौत की भीख मांगेगा, तुम देखना। और अम का क्या होगा? कोपेक के होते हुए अर्तुरुल के साथ अम नामुमकिन है। बहरहाल छोड़ो ये बातें, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। तोहफा मेरे लिए? वो क्या हो सकता है? आ जाओ। जमींदार एरिस, सरदारान, अर्तुरुल साहब दुरुस्त कह रहे हैं। इंशाल्लाह कुतलू सरदार भी अपनी जिद छोड़ देंगे। इंशाल्लाह। क्या हुआ है? कौन हो तुम सब? रियासत के खिलाफ बगावत रोकने वाले मुहाफिज हैं हम। अमीर सादुद्दीन के हुक्म से हथियार फेंक दो, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अमीर सादुद्दीन के हुक्म पर? उसका अंजाम बहुत करीब है। तलवारें निकालो अपनी। अमीर सादुद्दीन ने सबको जान से मारने का हुक्म दिया था जनाब, क्या सोच रहे हैं? हद में रहो कमांडर, हुक्म मैं दूंगा। यहां मैं, यहां खून खराबा नहीं चाहता सरदारान। ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास, हथियार फेंक दो। खून खराबा करना हम भी नहीं चाहते, लेकिन अमीर सादुद्दीन के आगे हथियार डालने से बेहतर है कि हम लोग यहां लड़ते हुए मर जाएं। तो लड़ना चाहते हो तुम? तो फिर तुम्हारी मर्जी। यहां सात सरदारान मौजूद है, लेकिन आप खोरे नौ रखे हैं यहां। दो सरदारान और कौन थे? कुतलू सरदार और अर्तुरुल सरदार। अर्तुरुल सरदार भी?
अमीर सादेतीन सही कह रहे थे। कहां गए हैं वो बताओ मुझे, वो दोनों कहां हैं? कमांडर, फौरन अर्तुरुल के पीछे जाना होगा हमें। क्यों मेरा रास्ता रोक रहे हैं अर्तुरुल साहब? या तो बगावत का ख्याल निकाल दो अपने दिल से, या फिर मेरा सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं फैसला कर चुका हूं, आप हट जाएं मेरे रास्ते से। ना ही आप और ना हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे। मैं यहां किसी का खून बहाने नहीं आया, लेकिन रियासत के खिलाफ कोई गया तो उसे मेरी लाश से गुजर कर जाना होगा। अगर हम बगावत नहीं करेंगे तो कोपेक हमें जान से मार देगा। हमें क्या करना चाहिए फिर? क्या अपने हक से दस्तबरदार हो जाएं? कोई भी दस्तबरदार नहीं हो रहा। अगर रियासत और कबाइल आमने सामने आ गए तो दुश्मन कामयाब हो जाएंगे। हम बगावत के बगैर यह मसला हल कर लेंगे। शेरों की सरजमीन पर गीदड़ शिकार नहीं कर सकेंगे सरदार। सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल का वादा है ये। अगर बगावत पनप गई तो तुर्क कबाइल तबाह हो जाएंगे। ना ही मैं ऐसा होने दूंगा और ना तुम्हें इस तरह की गलती करने की इजाजत दूंगा कभी। कौन है ये खातून? अमीर सादेतीन से मिलना चाहती है। तुम क्यों मिलना चाहती हो अमीर सादेतीन से? बाहर निकालो इसे, अगर दोबारा आए तो जिंदान में डाल देना। करीब बताना मेरे, वरना इसे मार दूंगी, कोई भी नहीं बच पाएगा मुझसे। अमीर सादेतीन को बताओ जाके, असलेहान खातून आई है, वो मुझे जानते हैं, मुलाकात कबूल कर लेंगे। बताता हूं उन्हें, अगर अमीर सादेतीन ने तुमसे मिलने से इनकार किया तो तुम मारी जाओगी, यहां से तुम्हारी लाश वापस जाएगी। अब तुम छोड़ दो इस सिपाही को। अमीर सादेतीन सुल्तान के साथ है अंदर, तुम्हें इंतजार करना होगा। इस खातून पर नजर रखना तुम लोग, अगर ये कोई गलती करे तो इसे जान से मार देना। सुल्तान-ए-मौज़्ज़म दुश्मनों का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है,
बिला शुबा आपकी कम उम्री भी इसकी एक वजह है सुल्तान। आपकी ना तजुर्बेकारी के सबब उनके हौसले बढ़ गए हैं सुल्तान। इसी बिना पर सामसद के लिए की फतह के बगैर अमित की जंग पर रवाना होना लश्कर के आप पर एतमाद को भी बहुत नुकसान पहुंचाएगा सुल्तान। अमीर सादतीन ने ठीक कहा। दुरुस्त, अमित की जंग का वक्त अभी नहीं है। इसी तनाजुर में शूरा में मौजूद मुअज्जिज अमीरों ने अमित के जंग पर आपके जाने के फैसले की शदीद मुखालफत की है सुल्तान मौसम। तो फिर पहले सांसद किले को फतह करने के लिए लश्कर तैयार करें। हमारे लश्कर को सबसे पहले तो आपकी कायदाना महारत पर एतमाद का वक्त दरकार है। इस बात का क्या मतलब है अमीर सादतीन? मतलब यह कि यह जिम्मेदारी मैं उठाता हूं सुल्तान, इसलिए आपकी इजाजत दरकार है। हमें मेरे सांसद किले को फतह करने के बाद आप अपने लश्कर के साथ अमित की जंग पर रवाना होकर हमें इस मुश्किल से निजात दिला सकते हैं सुल्तान। मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसे वो जरा मेरी रियासत का हिस्सा हैं। सलजूक जैसी रियासत में अगर आप लोग ना होते तो मैं अपनी ये जिम्मेदारी आसान तरीके से पूरी नहीं कर पाता। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं अमीर सादतीन। आप सही हैं, सामसद किला फतह करें, दुश्मन को शिकस्त दें, उसके बाद मैं और हमारे मौजिज उमरा भी लश्कर के साथ अमित पहुंच जाएंगे। जिहाद मुबारक रहे सादतीन। अल्लाह आपका साया हमेशा सलामत रखे सुल्तान। अमीर सादतीन की वजह से मेरे बाबा शहीद हो गए अर्तुरुल साहब, आप जानते हैं कि कैसे। उसने बाबा को हुक्म दिया था कि सरदार बिकताश को कत्ल कर दो क्योंकि वो उसके काबू में नहीं आ रहा था। बाबा ने उसे मारने के बजाय उसका साथ देने का फैसला किया और इसी वजह से अमीर सादतीन ने बाबा को कत्ल कर दिया। मेरे बाबा सुलेमान शाह को भी उनके भाई कुर्दोगलू से कत्ल करवाना चाहा था उसने। जादार सरदार को भी अपने बेटे का दुश्मन बना दिया था। सुल्तान को भी उनके शाही बावर्ची नसीरुद्दीन अली से जहर दिलवाया उसने। ये आप क्या कह रहे हैं अर्तुरुल साहब? सुल्तान की मौत तो तबही हुई थी और यही बात सुल्तान गयासुद्दीन ने भी बताई थी। अमीर सादतीन सबसे पहले सुल्तान के कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगाना चाहता था ताकि मुझे और मेरे जंगजुओं को रास्ते से हटा सके। सुल्तान को असल हकीकत का इदराक था इसलिए वो नाकाम हो गया। इसीलिए उसने ओहदा छीनकर आपसे इसका बदला ले लिया। हाँ, शुक्र है कि भाई की बात आपकी समझ में आ गई। कितना शैतान सिफत आदमी है ये अर्तुरुल साहब। सादतीन हमारी रियासत के अंदर मौजूद सबसे बड़ा नासूर है कुतलू सरदार, और अब उसने सुल्तान के गिर्द भी अपने जैसे गद्दारों का जाल बुन दिया है। सुल्तान के गिर्द भी? सुल्तान अपने ही महल में अमीर सादतीन के हाथों यरगमाल है।
इस बदबخت को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम सबको मुत्तहिद होना होगा। लेकिन इस वक्त हमारे लिए मसला कुछ और है, और वो है सही मौके की तलाश, और हमें बस उस मौके का इंतजार करना है कुतलू सरदार। अगर आपकी तरह सादतीन के जुल्म से परेशान हर कबीला बगावत करे तो हमारा क्या अंजाम होगा? बहुत से मासूम मारे जाएंगे सरदार कुतलू। मंगोलों को मौका मिल गया तो वो फौरन हम पर हमलावर हो जाएंगे, और इस तरह सारे तुर्क कबाइल जुल्म सहेंगे उनके। तो फिर अब आप अर्तुरुल भाई की बात समझ गए कुतलू सरदार? मैं जज्बात में आकर हकीकत पहचानने से कासिर था, आपने मेरी आंखें खोल दी अर्तुरुल साहब। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं अपने चचा सरदार गारकिन से आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं अपने कबीले में। आपके कबीले में आना हमारे लिए बायस शर्फ होगा। बहुत शुक्रिया। सरदार की हिफाजत करो। उठो भाई, हिम्मत करो, मेरे साथ आओ, चलो आ जाओ। इस तरफ चलो, चलो सिपाही। अर्तुरुल सरदार की हिफाजत करो सिपाहियों, कुछ नहीं होना चाहिए उन्हें। उस बदबخت के एक बार कहने पर आप अमित की जंग मुअख्खर करने के लिए किस तरह आमादा हो सकते हैं सुल्तान? क्या उसकी नियत से वाकिफ नहीं है आप? आखिर ऐसा क्यों किया आपने? अमित की जंग से फतायाब होकर लौटने से अमीरों की नजर में मेरी अहमियत बढ़ सकती है, इस बात का खौफ है उसे वालिदा, जिस वजह से वो सामसद किला पहले फतह करके अपनी अहमियत बढ़ाएगा और मुझे अपने ही अजदाद के महल में बेवकूफ करना चाहेगा। तो इस हकीकत को जानते हुए भी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं सुल्तान? मुझे सुल्तान बनना आपने सिखाया वालिदा, आपने ही मुझे शिकार होने के बजाय शिकारी बनाया है। क्या मकसद है आपकी इस बात का? अमीर सादतीन कभी कोनिया वापस पहुंच ही नहीं पाएगा, चाहे वो सामसद किला फतह करे या ना करे। हमें यहां सुनने वाला कोई नहीं, फिक्र नहीं करें। ऐसा कैसे होगा सुल्तान? पहली बार मैंने अपनी मर्जी से एक फरमान जारी किया है वालिदा, अमीर सादतीन की मौत का फरमान। आपके इस फरमान पर कुर्बान जाऊं मैं। मेरे कदमों में गिर के माफी मांगोगी तुम, और तुम आ गई असलिहान।
कि हर वो पत्थर जिसे मेरी उंगलियां छू जाएं, उस वक्त ही दीदा जेब लगता है जब वो हकदार तक पहुंच जाए। ये ग्लूबन सिर्फ आपकी ही नाजुक गर्दन पे जचेगा और इसे आपके लिए तैयार किया है मैंने। दिल टूट जाएगा मेरा अगर कबूल ना किया। बहुत खुशी होगी अगर आप इसे पहनेंगी। शुक्रिया अमीर सादतीन। अपनी मरहूम वालिदा के कीमती पत्थरों से ये ग्लूबंद मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। मुझसे निकाह करने के बाद मैं इसे अपने हाथों से तुम्हारी नाजुक गर्दन के गिर्द पहनाना चाहता था, लेकिन तुमने क्या किया? उस खाना बदोश सिपाही से निकाह कर लिया तुमने असलेहान। इसकी सजा तुम्हें मैं अमीर सादतीन देकर रहूंगा। तुम्हें भी मरना होगा असलेहान। अर्तुरुल और तुर्कुत को अपनी मौत से पहले तुम्हारी मौत का गम सहना पड़ेगा। अब या फिर मैं तुम्हें सुल्तान सादतीन की सौजा बना लूं, हाँ, या फिर तुम्हें जानवरों के आगे डाल दूंगा। मैं क्या करूं? मैं बताओ असलेहान, किस अंजाम को पहुंचाऊं? मैं क्या करूं? हाँ, क्या आपकी इजाजत है अमीर हजरत? क्या आपकी इजाजत है अमीर हजरत? आ जाओ। मेरी मुलाकात कबूल करने पर मैं शुक्रगुजार हूं आपकी। मैं क्या कहूं असलेहान? तुम्हारी तरफ से मिली हुई रुसवाइयों के बाद क्या मुझे भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? अब आपके कहने के मुताबिक आखिरकार आ गई मैं। माजी में जो हुआ उसे भूल जाइए। काश के मैं ऐसा कर सकता, लेकिन आज का आईनादार होता है गुजरा हुआ कल। ना तो मैं माजी को बुला सकता हूं, ना माजी मुझे बुला सकता है। मैं इल्तिजा करने आई हूं आपसे। सही निकली ना मेरी बात? सब सिपाही ठीक है? हम ठीक है भाई। ठीक है भाई। आखिर ये कौन लोग हैं अर्तुरुल साहब? सादतीन को जिरगे की खबर मिल चुकी होगी, मगर कैसे? नामुमकिन है ये। जिरगे में यकीनन उसका कोई जासूस मौजूद होगा, जैसे हर जगह मौजूद है।
अगर आप बगावत करके कोई कदम उठाते हैं तो कबीले का हर शख्स, बच्चे, बूढ़े, ख्वातीन, सब मौत के घाट उतार दिए जाते। मेरे सिपाही मार दिए इन्होंने, इन सब से बदला लूंगा मैं, सबसे। फिलहाल सब्र करे सरदार कुत्तो, हम अभी कम हैं। सबसे पहले हमें निकलने का कोई रास्ता तलाश करना है। घोड़े भी दूर खड़े हैं भाई, कोशिश करने के बाद भी हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिलहाल हम यही महफूज हैं दुर्गुत। अर्तुरुल सरदार, अमीर सादतीन हजरत के हुकुम से खुद को हमारे हवाले कर दें, वरना गद्दार सरदारान की तरह मार दिया जाएगा आपको भी। क्या सबको मार डाला इन्होंने? क्या इस लश्कर के सिपाह सालार तुम हो कमांडर? मैं हूं सिपासालार अर्तुरुल साहब। गुनाल सरदार, अब आपको फैसला करना होगा सुल्तान, या तो सादतिन को मारना होगा या फिर आपका तख्त उलट जाएगा। तुम अब भी मेरी आंखों में आंखें डालकर गलत बयानी किए जा रहे हो अर्तुरुल सरदार। मैं तुम जैसे गद्दारों पर लानत भेजता हूं। ये तुमने क्या किया? दुआ करोगे सिपाही असलहान तक जल्द पहुंच जाए। ये क्या किया असलहान खातून?